समझ नहीं पा रहा। हाँ, इसका हम लोग जो कविता पढ़े हैं, इसका ऑप्शन दिया है, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां बिखेर देती है, भूल जाती है, ये क्या है इसके बाद, धुंधला धुंधला याद आ रहा, याद रखती है और पहचानती नहीं है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर क्या है इसका, मैम आप थर्ड नंबर बोल रहे हैं, सही आंसर इसका थर्ड है, याद रखती है। तो मैम आप ही ने टिक लगाया है 110। हम टिक लगाए हैं तो हम अभी कविता पढ़े नहीं ना है, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम इसका राइट आंसर क्या लगवाए हैं। थर्ड नंबर लगवाया है आप 110 का। हाँ थर्ड लगवाए हैं, एक मिनट, कविता हम ध्यान से पढ़ेंगे तब तो। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती है, वहां जहां कोई नहीं पहुंचता कभी चींटियों से पहले, संकेत में करती है वे शब्द संसार संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती है संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे, ठीक है, बिखरती है कभी कभार वे मगर हर बार, नए सिरे से टटोलती है वे पूर्वजों पर, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई, तो इसका आंसर मित्र और शत्रुओं के चेहरे बिखेर देती है, भूल जाती है, याद रखती है, पहचानती है, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है बिखेरती नहीं है, बिखेरती है, इसका ऑप्शन तो एक होना चाहिए ना 10 का, मैम हम एक ही लगाए हैं, लेकिन आप बोले ना तीन है। हम भी एक ही लगाए थे। अच्छा यहाँ पे सीटेट में ऑप्शन 3 दिया है, हाँ आप नहीं बताए हैं छोड़ तीन दिया, है, लेकिन एक होगा। एक होगा हमारे अनुसार से, लेकिन कभी कभार होता है ना, देखिए सीटेट में कभी कभार क्या होता है ना, वो लोग अपने अनुसार भी आंसर दे देते हैं, ये जो गद्यांश और पद्यांश है ना, खासकर इसमें गद्यांश और पद्यांश, खासकर इसमें हम लोग जो सोचते हैं कि आंसर होगा वो आंसर ना होके आंसर कुछ दूसरा दे देते हैं, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट दिया है हम लोग उसी को बोलेंगे। हम जब फर्स्ट टाइम पेपर सॉल्व किए थे ना, आंसर जब क्वेश्चन पेपर निकाले थे, तो उसमें 3 क्वेश्चन जो है, हम जो है, मेरा टाइम बहुत लैप्स हो गया था, बहुत टाइम नहीं था, तो हम अपने अंदाजन से आंसर लगा दिए, जब हमारे सर हमको बताए कि वो तीनों आंसर आपका गलत है, हम लोग का कविता के अनुसार और पैसेज के अनुसार आपका आंसर ये होगा, लेकिन सीटेट जो है ना, मेरा ही किया हुआ आंसर को राइट माना और जो आंसर सही करके आए थे उनका रॉन्ग कर दिया, तो पैसेज में कभी कभी सीटेट ऐसे कर देता है, ठीक है, और कौन सा, और और मैम कौन सा, तो 113 था, 130 सबसे लास्ट, 13, 1313। यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो उसका सिर नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं होती, उसका विस्तार अधिक होता है, उसके बहुत से सिर होते, उसका विस्तार अधिक होता है, तो मैम आप 2 बोले ना, हम तो वही लगाए हैं, उसका विस्तार अधिक होता है। हाँ, यदि किसी का ओर छोर नहीं होता तो उसका उसकी सीमा नहीं होती, इसका आंसर 2 ही होगा, आप इसको ध्यान से पढ़िए पैसेज को, देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है, हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलती दिखाई देती है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता, ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है, यहाँ पे क्वेश्चन था, यदि किसी का और छोर नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, उसका विस्तार अधिक होता है, नहीं उसकी सीमा नहीं होती, उसका कोई सीमा नहीं होता है, ठीक, तो ये गलत है। अब मैम 1920 बताइए, नहीं समझ में आया, हम छोड़ ही दिए थे उसको। 19 किसी शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है, आप प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ी हैं, प्रत्यय और उपसर्ग शब्दों के अंत में प्रत्यय लगता है और शब्दों के प्रारंभ में
उपसर्ग लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे जीव दिया है, स्वभाव दिया है, प्रकृति दिया है और भय दिया है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय जो है नहीं लगेगा, ठीक है? जैसे जीव है, जीव में जीविक लगा सकते हैं, स्वभाव है स्वाभाविक, स्वभाव से स्वाभाविक बनता है। देखिए आपका स्वभाव दिया हुआ है, उसमें वो ई और क है, छोटी ई है और क है, ये प्रत्यय है हम लोगों का। तो वो ई जो है हम लोग का मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो में छोटी की मात्रा वी और क स्वाभाविक बन जाएगा। तो स्वभाव के अंत में इक लग रहा है, ठीक है? भय अगला शब्द है, देखिए भय, तो हम हाँ लोग का भय, भय में इक लग रहा है आपका, भयिक, भयिक होता है, उसमें हम लोग इक प्रत्यय जोड़ सकते हैं। जीव अच्छा, में हम, मैं ऐसा पूछ रहा था। हाँ ये प्रत्यय पूछ रहा है ना, प्रत्यय का मतलब तो पहले जानिए। जीव है, जीविक कर सकते हैं, ज में बड़ी की मात्रा जी, व में छोटी की मात्रा वी और क, जीविक हो गया, इक इसमें लग रहा है। स्वभाव में भी इक लग रहा है स्वाभाविक, और प्रकृति में भी इक लग रहा है प्रकृतिक। हम लोग प्रकृति को प्राकृतिक करते हैं, लिखते यस हैं, मैम, समझे इक लग ही रहा है, नहीं। भय में नहीं लग रहा है, कभी भी भय इक नहीं हो सकता है, हो सकता है। हाँ नहीं भाई, तो यहाँ पे कौन सा होगा भय? अपराध शब्द है, अपराध शब्द क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ी है। हाँ हाँ तो वही तो है, अपराध क्या है? पदार्थवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? इतना चार बहुत, 120 में 4 नंबर है। नंबर हाँ है। हाँ, अपराध हम लोग जब कुछ करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम चोरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका हमको भावना होता है, महसूस होता है कि हमने ये अपराध किया है, यह गलती हुई है, हमको उस चीज का भाव महसूस होता है, ठीक है? क्या होता है ठीक। यहाँ पे, कुछ ग्रामर वाला हम आप लोगों को नोट्स देंगे, कुछ ग्रामेटिकल नोट्स देंगे। संधि, संधि से आता है क्वेश्चन, दो ज्यादा नहीं, दो चार ही हम लोग ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। संधि दे देता है, प्रत्यय देता है, मोस्टली संज्ञा दे देता है, ठीक है? ये सब चीज हम आप लोग को बता देंगे कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे फिट और इंसान बताए, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द आप लोगों को सुबह में बताए थे, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। जैसे संस्कृत में हम लोग घी को क्या कहते थे? घृत पता कहते थे, तो वो घृत ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है? पानी को जल कहते थे संस्कृत भाषा में, पेय कहते थे, वो पेय के रूप में प्रयोग हो रहा है, वो हम लोग का तत्सम है। और जो तद्भव होता है, जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, पर उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा चेंज ला देंगे, थोड़ा बदलाव ला दिए, वो हम लोग का तद्भव हुआ, ठीक है? अब पेय से पानी बना दिए, घृत से घी कर दिए, घृत संस्कृत भाषा है, लेकिन हम उसको घृत को क्या बना दिए, अपनी सुविधा के अनुसार घृत से घी कर दिए, वो हो गया संस्कृत से ही लिया गया शब्द है, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव लाकर हम लोग अपना हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया हम लोग का तद्भव। देशज शब्द जो देशी भाषा के प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, थाली हो गया, कटोरी हो गया, ये सारे हम लोग के दूसरी शब्द हैं। और आगत शब्द को विदेशक, विदेशी शब्द भी कहते हैं, जो विदेशी भाषा से लिए गए शब्द हैं। तशरीफ, आगत का मतलब होता है विदेशी भाषा, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज आए, फारसी आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, तो हम लोगों ने उनके भी तो कई सारे शब्दों को अपने हिंदी भाषा में ऑब्जर्व किया है। हमारा हिंदी जो है ना, समझिएगा, हमारा हिंदी जो है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वो कई भाषाओं का मिश्रण है। आप हिंदी शब्द जो पढ़ती हैं, देखिएगा उसमें अंग्रेजी के भी शब्द आते हैं, ठीक है, उसमें संस्कृत के भी शब्द आते हैं, उसमें फारसी से भी बहुत सारे शब्द लिए जाते हैं, इसमें हम लोगों के दक्षिण भारत के भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उसमें हम लोगों के ये और भी बहुत सारे, जो जो हमारे देश में अंग्रेज आए, फारसी आए, फ्रांसीसी आए, वो सब आए, तो उन सब के बहुत सारे शब्दों का हम लोग का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। तो वो जितने भी विदेशी भाषा है जिसका हम लोग अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, वो सब आगत कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं, ठीक है? तो फिट, फिट हो गया, इंसान हो गया, ये सब हम लोग का आगत है, विदेशी है, जी मैम, हम वही लगा हो गया, समझ में आया? रहे हैं।
मैम एक सौ पंद्रह और बताइए किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन जुड़े हैं आप लोग, हमको कोई दिख नहीं रहे हैं। पूजा जी हैं, गायत्री हाँ जी, नहीं अच्छा चलिए आप लोग को किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें। नहीं पूजा जी कितना आया, ये जो पैसेज सेक्शन आप सॉल्व किए तो कितना आंसर आया? मैम 105 से बनाए थे, 105 से बनाई थी आप? यस हाँ, तो 105 से आपका कितना सही हुआ बताइए? 3 गलत एक हुआ सौ मैम। पांच केवल 3 गलत हुआ ना। हाँ, इसी तरह से इसको सॉल्व मैम करना है। ये कम से एक कम, गलत है, कम से पैसेज कम में एक 4 से 5 इसी तरह का हिंदी का हम आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करेंगे, आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस अभी क्या करना है, हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, हम लोग थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, आप लोगों को अगर एक बार रीड करना है, चलिए एक चीज आप लोगों को और बताते हैं। भाषा में हम लोग का ये जो हम लोग भाषा फर्स्ट लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं, भाषा कौशल जो पढ़ रहे हैं, भाषा में अगर चौमस्की जी का, ठीक है, भाषा प्लस व्याकरण का जिक्र हो, किसका, भाषा प्लस व्याकरण का जिक्र हो, तो वह उसके लिए हम किसको टिक करेंगे, चौमस्की जी को टिक करेंगे। नाम याद रहेगा, भाषा प्लस व्याकरण अगर हो साथ में तो किसका जिक्र करें, किसका हम लोग टिक करेंगे, चौमस्की जी। भाषा प्लस समाज और संस्कृति होती है तो किसका हम लोग जिक्र करते हैं, वाइगोत्स्की जी का। वाइगोत्स्की जी ने भाषा और समाज और संस्कृति की रचना की, उसी तरह से चौमस्की जी, इसमें वाइगोत्स्की जी भी दे देता है, याद रखिएगा। और भाषा प्लस व्याकरण अगर आए तो वो हम लोग के कौन है, चौमस्की जी है। चौमस्की जी जो है भाषा को व्याकरण के साथ जोड़कर, गायब वाइगोत्स्की जी का तो आप लोग को पढ़ाए हैं, हम पूरा थ्योरी पढ़ाए हैं। भाषा प्लस सामाजिक सांस्कृतिक वो वाइगोत्स्की जी, जी और भाषा प्लस व्याकरण वो हम लोग का चौमस्की जी का। भाषा प्लस समाज संस्कृति, समाज संस्कृति हाँ, भाषा प्लस समाज, वाइगोत्स्की जी ना भाषा को समाज और संस्कृति से संबंधित बताए हैं। हाँ भाभी, इसमें प्याजी जी जिक्र नहीं किए हैं, वही वही वही। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ना, यस मैम, यस चलिए हो गया। ईवीएस में आए कितना नंबर मैम, दिख रहा है लेकिन आप कितना नंबर है? अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ईवीएस में आए यस आप लोगों को, कि अब क्वेश्चन करेंगे आज नहीं लगवाएंगे क्या? 5 क्लास के बुक में आज टिक नहीं लगवा पाएंगे, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है मेरी तरफ, अच्छा ठीक इसीलिए जितने जो पॉसिबल है वो करवाते हैं। हम तो आज सोचे थे कि आप लोग का क्लास ही ऑफ कर देंगे, लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं, थोड़ा बहुत आज लास्ट है हम लोग का, फिर कल से तो कल छुट्टी रहेगा आप लोगों का, कल 1 जनवरी है, और परसों से तो फिर मेरा स्कूल चालू हो जाएगा। मैम, तो परसों से 4 बजे से ना, हाँ, परसों से 4 बजे से फिर। चलिए ईवीएस में आइए, ईवीएस में हमको जितना आप लोग बुक में पढ़ी हैं उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस उसको प्रैक्टिस का जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, अभी हम एक क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, उसका सीडीपी भी आप लोग को सॉल्व करना है, उसका ईवीएस पैटर्न भी, ईवीएस भी सॉल्व करना है, और उसका आप लोगों को हिंदी भी सॉल्व करना है, ये तीनों सॉल्व करना है। ओके ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगा, हम आप लोगों को मैथ से रिलेटेड, मैथ पैडागोजी से रिलेटेड बहुत कुछ बता देंगे। अभी सॉल्व करना है, नहीं बाबा, अभी हम ईवीएस करवा रहे हैं, हम क्वेश्चन आप लोग को भेजेंगे, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में बैठ के। ठीक है न्यू ईयर के दिन क्या करेंगी, पार्टी मनाएंगी, हम जो क्वेश्चन भेजेंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। पार्टी हो, पार्टी को नहीं मिलेगी। चलिए पहला जो क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 61 सबका गलत है या राइट है?
किसका गलत है बताइए पहले हमको। अच्छा मैम किए थे हम लोग 61। हाँ आप किए होंगी। क्वेश्चन अच्छा, है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा एक और दो के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा तीन से आगे की कक्षाओं के लिए है, केवल शब्द का प्रयोग आ गया है। कक्षा एक और दो के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, गलत हो गया है, नेगेटिव में आंसर दे दिया। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए, ठीक है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए। और चौथा बोल रहा है कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए कक्षा एक और दो में पर्यावरण अध्ययन नहीं दिया गया है। एनसीएफ 2005 जो है कक्षा एक और दो में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं करता है, तो इसलिए नहीं दिया गया है ताकि टीचर के ऊपर कुछ बर्डन ना पड़े। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए एक और दो में पर्यावरण अध्ययन नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा तीन से आगे ही कक्षाओं के लिए है, इसीलिए कक्षा केवल कक्षा तीन से आगे के कक्षाओं के लिए, क्यों एक और दो के लिए क्यों नहीं है, केवल शब्द का आ गया, प्रयोग गलत हो गया। दो बोल रहा है कक्षा एक और दो के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इसीलिए कक्षा एक और दो के बच्चों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, इसीलिए एक और दो में पर्यावरण अध्ययन नहीं दिया गया है। ये तीन ऑप्शन ऐसी कर दिया, क्या है ऑप्शन नंबर तीन, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, ठीक है, जहां पे भी संदर्भ से क्या बोल रही है, जो भी बोलिए जोर से बोलिए, मेरा नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो जो जोर से बोलिएगा तब ना। कितना नंबर 61 है भाभी, लेकिन मैम के स्क्रीन पे ना अभी 111 चल रहा है। हाँ 111 है। अच्छा ठीक है हम दिखा रहे हैं, रुक जाइए स्क्रीन पे। ए, मेरा यहाँ पे बहुत जोर साउंड बज रहा है ना, आप जरा जोर से बोलिएगा तब ना हमको सुनाई देगा, ऐसे ही ये गाना सुन सुन के मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पूजा जी भी चली गई, पूजा जी चली गई, हाँ ये हो गया होगा, आया दिखा, हाँ देख दिया, कट गया होगा उनके, उनका भी छोटा बच्चा है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ हम आप लोगों को बताए थे ना, कक्षा एक और दो में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं है, लेकिन क्या वहां पे बच्चों को पर्यावरण से संबंधित चीजें नहीं बताई जाती है, बताई जाती है किसके माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से बताई जाती है ना, यहाँ पे इसका आंसर थर्ड होगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। हम बच्चों को कक्षा एक और दो में आम है बेटा, इमली है, चाहे ये कबूतर है, ये सब हम लोग पर्यावरण से संदर्भ उस संदर्भ में रहकर उस परिस्थिति में रखकर बच्चों को अधिगम परिवेश प्रदान कर रहे हैं ना, उसके माध्यम से हम बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा तो दे रहे हैं, ठीक है। तो संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना सबसे अच्छा आंसर इसका है, बाकी सारे ऑप्शन जो है हम लोग के नेगेटिव में दिए हैं, ये आंसर हम लोग का क्या होगा, सही होगा। अगला बोल रहा है, एक अध्यापक को कक्षा चार के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, ठीक है, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है। हमारे देश में भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न तरह के भोजन सामग्रियां सब हर जगह बनाई जाती है, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी। पहला बोल रहा है, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजन देंगे, प्रोजेक्ट बनाने दे रहा है, यानी कि बच्चे को क्रिएटिविटी दे रहा है, एक्टिव होने को दे रहा है, ये आंसर हम लोग का परफेक्ट हो सकता है, हो सकता है ना, जहाँ क्रिएटिविटी की बात हो रही है, बच्चों को इन्वॉल्व होके खुद से करने की बात हो रही है, वो आंसर हम लोग का परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आगे देखिए क्या पता उससे भी परफेक्ट दे दे।
विद्यार्थियों से पूछेंगे कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क दे रहा है, ये भी है हम लोग का सृजनात्मकता वाला कार्य हो रहा है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में चर्चा करो का जिक्र दे दिया गया है, ये भी तो हम लोग का सही आंसर है। चर्चा करो भी तो हम लोग का पॉजिटिव में ही आ रहा है ना। थर्ड देखिए बोल रहा है, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार में बनने वाले सभी भोजन पदार्थों की सूचना एकत्र करना है। ये भी हम लोग का एक्टिव हो रहा है, इसमें बच्चा भी, इसमें भी सूचनाएं ग्रहण कर रहा है, जानकारी हासिल कर रहा है। विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे बच्चों को, फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, देखो यहाँ पे इस राज्य में ये बनता है, इस राज्य में ये बनता है, इस राज्य में ये बनता है, ठीक है। चलिए क्या होगा आंसर इसका सबसे अच्छा, विद्यार्थियों से अगर हम पूछ रहे हैं कि उन्होंने खाना क्या खाया है और इसके बाद हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या विभिन्न राज्यों में क्या क्या पकवान बनाई जाती है और क्या क्या वहां मशहूर है, इससे पता चल रहा है। वो तो केवल अपने ही देश का बता रहा। आप क्या होगा इसका आंसर? पहला नंबर होगा मैम, पहला नंबर होगा प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि बच्चे जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या क्या होता है, मैगजीन से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने आस पड़ोस से, हर किसी से पता करेंगे, ठीक है। हमारे देख हमारे बगल में कोई पंजाबी रहता है तो अंकल आपके घर में, आपके यहाँ क्या ज्यादा मशहूर है, सबसे सेकेंड नंबर से, हाँ सेकेंड नंबर ऑप्शन सही। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्हें क्या खाया है, इसके बाद चर्चा करेंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आप पूजा जी बोल रही है ना? यस मैम। हाँ आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या पूजा जी? नहीं मैम। चलिए अब रह गई हैं प्रिया जी, प्रियदर्शनी जी, आप अपना ऑप्शन दीजिए, आपके लिए कौन सा सही है? एक नंबर मैम। हम प्रियदर्शनी जी से पूछ रहे हैं। ओके एक नंबर। हाँ एक नंबर, एक नंबर। एक नंबर ही आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं ना, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, अपने आस पड़ोस से, सभी से यह जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि कहाँ क्या बनता है, कौन सा डिश बनता है, क्या बनता है। प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट वर्क जो है चर्चा करने से भी ज्यादा इफेक्टेबल होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक हम लोग का क्या है, सही है, ठीक है पूजा जी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दो है, चर्चा करने की बात की गई है, चर्चा करने की बात की गई, ये गलत नहीं है, लेकिन उससे भी अगर देखा जाए तो इफेक्टेबल अगर आंसर अगर हम लोग का दिखता है, सबसे परफेक्ट आंसर दिखता है, तो वो ऑप्शन नंबर एक है। बच्चे विद्यार्थी जो है प्रोजेक्ट वर्क परियोजना बना रहे हैं विविध भोजन के बारे में, कि किस राज्य में कौन सा भोजन पकाया जाता है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या सामग्रियां इस्तेमाल होती है। जैसे कि हम लोग असम राज्य के बारे में पढ़े कि वहाँ पे विशेष आयोजन किया जाता है, बोरा एक किस्म की चावल होती है जिसको पकाने के बाद वह चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे विषय में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जाने ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सबसे परफेक्ट आंसर है इसका। अगला है 63, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमनों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी उपागमनों का अध्ययन करना है केवल एक, इसमें बहुत कुछ दिया है, केवल एक को छोड़कर। तो चलिए प्राथमिक कक्षा में हम आप लोग को बताए थे कि बच्चों को पहले मूर्त चीजें दिखानी है, प्रत्यक्ष रूप से मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चों को ले जाना है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बताए थे कि बालकों को, हाँ सरल से कठिन की ओर भी तो सही है, पहले बालकों को कोई चीज सरल रूप से करने को देंगे तब तो वो कठिन चीजों को करने में सक्षम होंगे,
स्थानीय से वैश्विक की तरफ, यानी कि बच्चों को पहले उनके स्थानीय बच्चे जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उस चीजों की उनको जानकारी देंगे, फिर धीरे धीरे उनका ज्ञान जो है हम विस्तृत करेंगे, ठीक है। उनको दैनिक जीवन में होने वाले हर चीज के विषय में, छोटे बच्चों को ना देखिएगा, प्राइमरी लेवल के बच्चों को ज्यादातर उनके दैनिक जीवन से संबंधित करके ही हम लोग चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे को कोई भी शेप या आकार बताएंगे, तो तुम्हारे घर में दरवाजा है ना, दरवाजा का शेप देखो कैसा है, इस तरीके से दैनिक चीजों को जोड़कर फिर उसको वैश्विक की तरह ले जाएंगे, यानी कि विश्व स्तरीय पर ले जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है, देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर। प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 से लेकर 5 के बच्चे हैं, हम उसको पहले अमूर्त चीजें बता देंगे कि कल्पना करो तो कि पृथ्वी कैसी है। बच्चे को उसका नॉलेज ही नहीं है, बच्चा कल्पना कर सकता है? बच्चे में काल्पनिक क्षमता होती है उस स्टेज में? नहीं। तो इसमें सारा ऑप्शन सही है केवल एक को छोड़कर। केवल एक वो कौन हो जाएगा? देखिए उसमें भी ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दिए थे, उस 4 ऑप्शन में ये कूट भाषा में ऐसे आता है, एक केवल डी जो दिया हुआ है वो होगा हम लोग का आंसर इसका, एक नंबर। केवल ए और बी गलत है, केवल बी और सी गलत है, केवल बी भी गलत है, केवल डी जो है सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलिए, पेट्रोल के बारे में हम आप लोग को अभी नहीं पढ़ाए हैं, आज ये ना मेरा सिर फोड़ देगा लोग गाना बजा बजा के। पेट्रोल वाला कीमत वाला जो दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, थोड़ा दिमाग वाला चीज है। पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर जून में इतना है, जून 2007 में और दिसंबर 2014 में इतना हो गया, और डीजल का मूल्य प्रति लीटर जून में डीजल का मूल्य जो है वो 35 रुपया 21 पैसा था, और दिसंबर में उसका दाम रेट बढ़ के 50-51 हो गया, ठीक है। तो उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपने नोटबुक में क्या लिखा बताइए? पेट्रोल की कीमत का आकलन किया, तो पेट्रोल की कीमत में किस तरह से बढ़ोतरी हुई, और डीजल की कीमत का आकलन किया तो डीजल की कीमत जो है पेट्रोल की तुलना में कम दिख रही है, डीजल की कीमत पेट्रोल की तुलना में कम है, जून में भी उसका रेट कम था और दिसंबर में भी उसका रेट डीजल की तुलना पेट्रोल की तुलना कम ही है। तो देखिए, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, ठीक है। पहला वो ये बोल रहा है कि ये इसी को कहते हैं कूट भाषा में, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, अब इस 4 ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है नीचे देखिए, सी या डी निष्कर्ष है, ए तथा डी प्रेक्षण है, ए तथा सी प्रेक्षण है, बी तथा सी निष्कर्ष है, इसी को कहते हैं कूट भाषा में, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक क्या है, महंगा है, ये तो हम लोग को दिख रहा है चार्ट में कि पेट्रोल ज्यादा महंगा है। दूसरा बोल रहा है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है, तो पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक दिख रहा है हम लोगों को। बताइए। तो अगला देखिए, सी नंबर बोल रहा है डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, डीजल सच में सस्ता है इसीलिए जितने भी सार्वजनिक परिवहन है इस पे चलते हैं, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन थर्ड सा नंबर मैम, सही है? थर्ड नंबर, थर्ड यस मैम, चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए। आप लोग भी दीजिए अपना आंसर। इनका आंसर था ए और सी प्रेक्षण है, ठीक है। यस मैम, आप लोग अपना आंसर दीजिए, ए और सी, यानी कि डी पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है जी और डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, ठीक है।
प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि ए और सी जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोले थे, अनुकरण, ये बोले थे आप लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट, आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। घर बोले तो थ्री ही लिखे हैं, ठीक है, मतलब सामने वाला जो बोल दिया आप अपना कुछ लॉजिक लगाइएगा। मैम हम वही कल ही बना लिए थे, अब कितना बार लिखेंगे। प्रेक्षण का मतलब हम आप लोग को अभी बताए ना, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, ठीक है। हम उसको ऑब्जर्व, ए और सी जो है हम लोग का जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में है, इसका निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष का मतलब जो है फाइनल रिजल्ट, और ऑब्जर्वेशन का मतलब अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, उसका कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। यहाँ पे निष्कर्ष और प्रेक्षण दो शब्द दिए गए हैं, ये दो शब्दों का भी बहुत महत्व है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीन सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही होगा, सी और डी। डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, ये इसका निष्कर्ष निकल रहा है। हम लोग जो चार्ट देखे, चार्ट में पेट्रोल का मूल्य और डीजल का मूल्य दोनों का मूल्य दिया हुआ है, जिसकी वजह से निष्कर्ष क्या निकला हम लोगों का, परिणाम क्या निकला कि डीजल, हम लोग देख रहे हैं कि डीजल सस्ता है, इसकी इसी के कारण निष्कर्ष यह निकला कि इसी की वजह से जितने भी सार्वजनिक परिवहन है वो हम लोग के डीजल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और साथ में डी दिया हुआ है, तो डी का क्या बोला, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी ही खरीदनी चाहिए। निष्कर्ष तौर पर यह हम लोग का आंसर सही है। ऑब्जर्वेशन में हम लोग इसको नहीं रखेंगे, हम लोग आगे ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि आगे इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है, आपको चार्ट बना के दे दिया है कि दोनों का मूल्य क्या क्या है, किस किस हिसाब से दोनों का मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, और लोग क्यों इसका, हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो पूरा परिणाम निकाल कर ना करते हैं, पूरा रिजल्ट निकाल करना करते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो हमको बहुत प्रॉफिट होगा या ये होगा, निष्कर्ष निकालते हैं ना। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, सी और डी होगा, तीन नहीं होगा, प्रेक्षण नहीं होगा। यस मैम। अगला बोल रहा है, कक्षा पांच की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करे, ठीक है। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे जो है अपने एनवायरमेंट में जाएं, वातावरण से संपर्क स्थापित करें और अपने आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं उसका अवलोकन करें। तो अध्यापिका जो है सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर एक है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, यह बताने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अधिकतम पौधों का नाम लिखना, ठीक है। तीसरा, उसकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उसके उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, ठीक है। और समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। तीन नंबर होगा प्रिया जी। हाँ, अवलोकन कर, अवलोकन करना का मतलब हम लोग, हाँ, अवलोकन करना का मतलब हम लोग उसकी बारीक से बारीक चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन पौधा, हम नीम का पेड़ देखे, हम मीठा नीम का पेड़ देखे, और हम नीम का पेड़ देखे, हम आम का पेड़ देखे, हम अमरूद का पेड़ देखे, तो हम ऑब्जर्व किए ना भाई कि आम का पेड़ इन सब में सबसे बड़ा होता है, उसके पत्ते जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, मीठा नीम का पत्ता जो होता है उसका वो पेड़ जो वो छोटा छोटा होता है, झाड़ी जैसा होता है, उसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। हम ये सब ऑब्जर्व किए ना, अवलोकन का मतलब क्या कि हम ऑब्जर्व करें उसके हर एक चीज को, उसकी बारीकी को, तो उसकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध, उगने के स्थान में अंतर, हर चीज का हम लोग अवलोकन करेंगे। समझ में आया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीन होगा। हाँ, हमको पता है, आप वही बोली थी। अभी कौन जुड़ा, कोई नहीं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त करते हैं,
प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों का पर्यावरण अध्ययन का आप लोग आकलन कर रही हैं, आकलन मूल्यांकन जो बताए थे शॉर्ट में वही चीज जानिए, तो आकलन कर रही हैं तो निम्न में से कौन सा संकेत उपयुक्त तो होगा? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता करना, सहयोग या स्मरण रखना, क्या होगा? स्मरण रखना स्मरण। रखना चलिए, तो इसमें आप लोग को बहुत कुछ आ रहा है, आप लोग को जिसमें गलती गलती है हम केवल वही पूछिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, तो इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा नारियल है, बंद गोभी है, सरसों है, पालक है, बताइए। सरसों है, सरसों सरसों, सरसों में आगे, हाँ सरसों आगे बोल रहा है। 72 में निम्न में से कौन सा मच्छरों से होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? अभी आप लोगों को ये चीज हम बताए थे ना। चलिए, उसमें हाँ ये हैजा दो है, डेंगू है और मलेरिया है। नौ है, सेकंड नंबर दो ऑप्शन। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, अभी अभी हम लोग कल ही ये चीज पढ़े थे। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो होता है यह मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। चलिए, ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज और कासा, आप बता रही थी ना कि ये वाला क्वेश्चन आया था, हाँ यस मैम, हम देख रहे हैं वो जो है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि नहीं है इसमें, ताकि हम आप लोगों को बता सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, तो बताइए तो निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा 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 अब जम्मू और कश्मीर में लोग किस तेल में खाया वो सरसों नंबर में, सरसों के तेल में। सरसों के देखिए, रेगिस्तानी ओक का दे दिया है क्वेश्चन, 87, 87 नंबर में। तेल। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला बोल रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है यह वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तीसरा बोल रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथा बोल रहा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाई जाती है, बताइए। सी सी होगा, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित। ये देखिए नीचे कूट में दिया हुआ है, इनमें से सही कथन कौन कौन सा है? बी सी और डी सही है, केवल ए और बी सही है, ए बी और सी सही है, ए बी और डी ए सही बी और सी सही है, है, ए बी और सी सही है। एक मिनट आप लोग को शेयर करना होगा अगेन हमको। ए बी और सी सही है। सी सही है, डी गलत है। रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है? बोले थे ना नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है बताइए जल्दी। रेगिस्तान में नहीं मिलता है। वो तो हमको पता है लेकिन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पौधा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो है ना, यही हम आप लोग को बोले थे ना, हम आप लोग को बताए थे ना कि कुछ ऐसा हम लोग का सम्स से रिलेटेड आता है। क्वेश्चन नंबर जो 88 दिया है, एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक हम लोग का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा। अच्छा, डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए पहला है तो 88 क्वेश्चन जो दिया है वो सम्स से रिलेटेड है, ये हम आप लोग को बता देंगे। और दूसरा 89 दिया है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? तो ये चीज ना, इस चीज के लिए पता है हम लोग को मैप का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा राज्य हम लोग का किस क्षेत्र में है, ठीक है, कौन यस मैम, सा राज्य हमारा किस क्षेत्र में है, इसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन था आप लोगों का, देखिए
यही लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, और थोड़ी ना कोई न्यू ईयर मना रहे हैं। कहाँ चला गया वो क्वेश्चन? नहीं तो मुझको क्या, ये क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। केरल के निकटवर्तीय राज्य क्या है? क्वेश्चन देखिए, ये सब के लिए आप लोगों का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोगों को मैप ऑब्जर्व करना है, हमारे देश के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, गुजरात है तो गुजरात से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, केरला है तो केरला से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा, उसका पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है। ठीक है, केरल के निकटवर्तीय राज्य, केरल के निकटवर्तीय यानी कि उसके सीमा से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, इसके लिए आपको भारत का नक्शा ऑब्जर्व करना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो केरल से सटा हुआ हम लोग का पता है कौन कौन सा राज्य होता है, आप लोगों को मालूम है, ध्यान में है कौन तीसरा नंबर होगा मैम, तीसरा सा नंबर? दूसरा नंबर, तीसरा। कर्नाटका और तमिलनाडु हम लोग का केरल से सटा हुआ राज्य है, समझ में आया? कर्नाटका और तमिलनाडु हम लोग का केरल से सटा हुआ राज्य है। यहाँ पे केरल पूछा है, आप लोग का गुजरात पूछ देगा कि गुजरात से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा होता है, या फिर गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से है। तो गुजरात से सटा हुआ हम लोग का क्या क्या आता है, मुंबई आ जाता है, ठीक है, राजस्थान आ जाता है, इधर में एमपी आ जाता है। इसका ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों को, मैप का ऑब्जर्वेशन भी करना है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आप लोग का सम्स से रिलेटेड आएगा और एक क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्शन वाला आएगा। तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कैसा भी आए आप लोग को, वो हम बता देंगे, आप लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सम्स वाला क्वेश्चन जैसा भी आए आप लोग खुद बना लोगे, लेकिन ये जो डायरेक्ट, ये जो राज्य वाला है ना, इसके लिए आप लोगों का ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए, आप लोगों को पूरा मैप ऑब्जर्व करना होगा। इसमें आप लोगों का क्षमता है, इसमें मेरा, इसमें मेरे को अपना कर्तव्य दिखाना है कि आप लोगों को सम्स हम अच्छे से समझा सके, वो हम समझाएंगे और डायरेक्शन वाला हम समझाएंगे। इसमें आप दोनों को, इस दोनों में हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बता देंगे। लेकिन वो तीसरा वाला जो है, वो आप लोगों को खुद से मैप को ऑब्जर्व करना है, राज्यों को, ठीक है? चलिए आज के लिए क्लास इतना ही हम लोग स्टॉप कर देते हैं, रहने